तो दोस्तों पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने सीखा कि फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस या कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आपको सीखनी चाहिए, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि की डिफरेंस मेनली जो डिफरेंस होते हैं फ्रंट एंड जावा डेवलपमेंट और बैक एंड जावा डेवलपमेंट में जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअली में क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं विजुअल कंपोनेंट ऑन द वेबसाइट, मतलब जो विजुअल कंपोनेंट्स होते हैं वेबसाइट पे, जैसे कि नेविगेशंस हो गए, बटन्स हो गए, या लॉग इन पेज हो गया, ये कैसा दिखेगा और कैसा होना चाहिए, कैसा बनेगा, तो वो उन चीज़ों पे फोकस करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के जो विजुअल कंपोनेंट्स होते हैं वेबसाइट के। एंड दोस्तों वहीं पे जो बैक एंड डेवलपमेंट के इंजीनियर्स होते हैं वो फोकस करते हैं डेटाबेस पे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे एंड वेबसाइट आर्किटेक्ट पे, कि मतलब जो बैक एंड डेवलपमेंट होता है या जो डेटाबेस डेवलपमेंट करते हैं वो कैसा होगा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, या वेबसाइट आर्किटेक्ट मतलब वेबसाइट का आर्किटेक्चर क्या होगा वो उस पर फोकस करते हैं। एंड दोस्तों HTML, CSS, JavaScript आर द लैंग्वेज टू यूज बाई फ्रंट एंड डेवलपर्स, एंड जो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं उनके लिए PHP, Java, .NET, Python ये यूज करते हैं बैक एंड डेवलपर्स। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको फ्रंट एंड में जाना तो कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है, अगर बैक एंड में जाना तो कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सी लैंग्वेज आपको सीखनी है। एंड जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं वो यूजर्स के इनपुट के अकॉर्डिंग वेबसाइट को डिजाइन करते हैं या वेबसाइट पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कि कोई यूजर बोलता है मुझे इस तरीके का बटन चाहिए, कोई बोलता है मुझे सर्किल में चाहिए, कोई बोलता है नहीं मुझे चार कोने का चाहिए, तो जो यूजर्स के इनपुट होते हैं उनके अकॉर्डिंग फ्रंट एंड जो डेवलप पास होते हैं वो काम करते हैं। एंड जो बैकएंड पे काम करते हैं वो क्या सिक्योरिटी मैनेजमेंट करते हैं एंड कंटेंट का मैनेजमेंट करते हैं, कि मतलब वेबसाइट पे कंटेंट कैसा होगा, उसकी सिक्योरिटी कैसी होगी, उस पर अपलोडिंग कैसी होगी, या उस पर जो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं अपडेटिंग की हैं तो वो चीज़ें कैसे उस पर काम करेंगी, डेटाबेस पे कैसे स्टोर होंगी, तो वहाँ पे बैकएंड डेवलपर्स काम करते हैं। जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं कि जो वेबसाइट है वो ओपन सोर्स होना चाहिए। ओपन सोर्स मेरा जो कहने का मतलब है कि फ़ोन पे एक्सेसिबल होना चाहिए इजीली, और लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। और वहीं पे जो बैकएंड डेवलपर्स हैं अगर वो एक्सेसिबल नहीं हो रहा है तो उसी जगह वो बैकएंड डेवलपर्स काम करते हैं कि ये वेबसाइट जो है वो फ़ोन पे ओपन इस तरीके से क्यों हो रही है, या ओपन नहीं हो रही है, या डेस्कटॉप पे ओपन क्यों नहीं हो रही है, तो वहीं पे वो बैकएंड डेवलपर्स भी काम करते हैं। एंड दोस्तों जो मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड टूल्स हैं वो है HTML5 एंड jQuery, ये कुछ मोस्ट पॉपुलर टूल हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड जो बैकएंड के लिए दो डेवलपमेंट टूल्स हैं जो फेमस हैं, जो काफी अच्छे खासे यूज किए जाते हैं, MySQL एंड PHP। जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होते हैं उनको बहुत अच्छे से ये पता होता है कि डिजाइन वेबसाइट का कैसे काम करेगा, जो या फिर UI या UX डेवलपमेंट का पार्ट है वो कैसे वो लोग हैंडल करेंगे, वो चाहे वेबसाइट का हो चाहे एप्लीकेशन का। जो फ्रंट एंड पे बेसिकली डेवलपर होते हैं वो UI या UX डेवलपर की तरीके भी काम करते हैं एक एप्लीकेशन और URL के लिए। और वहीं पे जो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं वो एल्गोरिथम पे काम करते हैं, जो सिस्टम्स की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करते हैं। अब सिस्टम की प्रॉब्लम इन द सेंस वो टेक्निकल सपोर्ट वाला सिस्टम प्रॉब्लम नहीं, उस एल्गोरिथम में क्या प्रॉब्लम है, उस एल्गोरिथम की वजह से वो URL या एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा, तो वहां पे बैक एंड डेवलपर्स काम करते हैं। एंड एक जो एवरेज सैलरी है फ्रंट एंड डेवलपर्स की, जो सैलरी में देखा गया है, एक एवरेज सैलरी USA में है वो $104,405 ईयरली है, और जो बैक एंड डेवलपर्स का जो एक एवरेज सैलरी देखा गया US के अकॉर्डिंग वो $120,798 पर ईयर। तो बेसिकली ये है उसका स्ट्रक्चर पूरा, एक फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर का की डिफरेंस एंड सैलरी के बारे में। होपफुली आपको समझ में आया हो इन वीडियोस की तीनों सीरीज में, मैंने तीन वीडियो बनाए हैं जावा पे, जावा डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, तीनों वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके अदर वीडियोस भी देख सकते हो जहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए एक जावा डेवलपर बनने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाने के लिए। अभी आगे इस पे वीडियोस बनाएंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज आप कैसे सीख सकते हो, या आपका कोई ऐसा कमेंट है या कुछ आप जानना चाहते हो PHP, .NET, MySQL, JavaScript, किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी पर अगर आप जानना चाहते हो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।
मेरा नाम है शुभम, मैं तो अपने नेक्स्ट वीडियो में टेल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।